यूं तो सफर पर हर किसी का कदम होता है, मंजिलें मिलती उसे हैं जिसके हौसलों में दम होता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से आज तक पिछले 7.5 वर्षों में देश में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अनवरत कार्य हुआ है। उत्तराखंड को भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और सृजन का निरंतर लाभ मिल रहा है। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है, मेरे शब्द लिख के रखिए। अब पानी भी पहाड़ को काम आएगा, जवानी भी पहाड़ को काम आएगी। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 4 दिसंबर को उत्तराखंड में लगभग 18,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक 8,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 179 किलोमीटर लंबे 6-लेन एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली देहरादून की दूरी 25 किलोमीटर कम हो जाएगी तथा यात्रा का समय भी 6 घंटे से घटकर 2.5 घंटे हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से उत्तराखंड की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से कनेक्टिविटी सुगम और तेज होगी, जिससे राज्य की विभिन्न आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस एक्सप्रेसवे से उत्तराखंड टूरिज्म को नई दिशा मिलेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से हरिद्वार के बीच 51 किलोमीटर लंबाई में ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसकी लागत 2100 करोड़ रुपए है। गांवों और कस्बों को हाईवे से जोड़ने के प्रधानमंत्री श्री मोदी के विजन के तहत हरिद्वार रिंग रोड मनोहरपुर से कांगड़ी तक 1,560 करोड़ रुपए लागत से बनने वाली 15 किलोमीटर लंबी 4-लेन ग्रीन फील्ड सड़क का शिलान्यास भी किया जा रहा है। उत्तराखंड की सीमावर्ती राज्यों से कनेक्टिविटी को और मजबूती देने के लिए देहरादून से हिमाचल प्रदेश के पौंटा साहिब तक 1,695 करोड़ रुपए की लागत से 50 किलोमीटर मार्ग का शिलान्यास तथा NH 119 के अंतर्गत नजीबाबाद और कोटद्वार के मध्य 108 करोड़ रुपए की लागत से 15 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास भी किया जा रहा है। इन सड़कों से उत्तराखंड राज्य एवं सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार होगा। स्थानीय उद्योगों तथा व्यापारिक गतिविधियों के साथ ही राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। जनपद हरिद्वार में 538 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज के निर्माण से उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, गढ़वाल परिक्षेत्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों के नागरिकों को भी उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। देहरादून में जनता की सुविधाओं के लिए जलापूर्ति, सड़क एवं जल निकासी प्रणाली के सुधार के लिए 724 करोड़ रुपए की योजना पर काम किया जा रहा है। इस परियोजना से लगभग 2.5 लाख की आबादी को लाभ होगा। विश्व भर के हिंदुओं की आस्था के केंद्र चार धाम के विकास के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के तहत श्री बद्रीनाथ धाम में भी 220 करोड़ एवं गंगोत्री यमुनोत्री धाम में 54 करोड़ रुपए की लागत से अवस्थापना विकास कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य बद्रीनाथ एवं गंगोत्री यमुनोत्री धाम का विकास एक स्मार्ट आध्यात्मिक नगर के रूप में करना है। जनपद टिहरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला सेतु के विकल्प के रूप में इसके महत्व एवं गरिमा के अनुरूप इसके साथ ही 69 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 133 मीटर लंबे एक नए सेतु का शिलान्यास किया जा रहा है। ये पुल पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय निवासियों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। देहरादून शहर को बच्चों के अनुकूल बनाने के लिए 58 करोड़ रुपए की लागत से चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जा रही है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत चिन्हित 6 मुख्य मार्गों पर स्थित 34 स्कूलों के बच्चों को सुरक्षित आवागमन का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यों का लोकार्पण किया जा रहा है। यमुना नदी पर 1,777 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 120 मेगावाट क्षमता की 82 जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग 350 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जो उत्तरी ग्रिड को सप्लाई की जाएगी।
इस परियोजना से उत्तराखंड राज्य में बिजली आपूर्ति और सुदृढ़ होगी। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत NH 58 पर विभिन्न स्थानों पर मार्ग के चौड़ीकरण एवं भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का उपचार कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन सभी कार्यों की लागत लगभग 689 करोड़ है, जिनका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है। इन कार्यों से चार धाम यात्रा और अधिक सुगम एवं सुरक्षित हुई है तथा स्थानीय निवासियों को अत्यंत लाभ पहुंचा है। उत्तराखंड राज्य सहित हिमालय की संस्कृति, कला एवं रंगमंच की समृद्ध धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन को प्रोत्साहन देने के लिए 67 करोड़ रुपए की लागत से देहरादून में निर्मित हिमालयन संस्कृति केंद्र का लोकार्पण किया जा रहा है। देहरादून में स्थित सगंध पौधा केंद्र में 40 करोड़ रुपए की लागत से 6 नई अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं। इन प्रयोगशालाओं के बनने से सगंध पौध से संबंधित स्थानीय कृषि अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों की आय में वृद्धि के सरकार के संकल्प को और मजबूती मिलेगी। केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड पकड़ रहा विकास की रफ्तार।